ये न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। आज प्रजा पलाना प्रोग्राम का पांचवा छठवां दिन है। जिससे आदमी की जानब से मैं खासतौर पर बहरासर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का और एरिया MLA मोहन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। इन लोग ने आपकी वोट की ताकत की बदौलत आज पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाया जाता है, इंग्लिश को जो बेबाक चाहकर लोग वोट देते हैं, आज उससे गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा होता है। जैसा कि तेलंगाना में आज असेंबली में जो आवाज़ उठाने की वजह से अकबरुद्दीन अवैसी साहब और हमारे एरिया MLA मोहन साहब उठाने की वजह से हुकूमत ने राशन का इसमें ब्याज के ऊपर जो सब्सिडी देना था और लाइट के बिल में जो बिल कम करना था, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 दिन से किशनबाग में काम हो रहा है। अब तक 3,000 फार्म को अपडेट कर दिया गया है और लोग को गैस के पैसे सब्सिडी वापस भी आ रही है गवर्नमेंट से। 314 रुपये उन लोगों के अकाउंट में आ गए हैं। तो मैं फिर एक बार भारत असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, एरिया MLA मुबीन साहब का और मेरे इब्तदाई सरदार मुतमद्दीन साहब सबका शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में मेरे एक्स कारपोरेटर अजीत बेग साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ के सदर मुतमद्दीन में कंटिन्यू रहकर आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। एक एक इब्तदाई सदर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग लाइन जमा कर इन लोग को टोकन देकर लाइन में रहकर ठहर कर काम करा रहे हैं। जो आवाम को सहूलत देना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई सदर मुतमद्दीन सब साथ रहकर दे रहे हैं और ये किशनबाग पार्क में ये कैंप है इंशाल्लाह ताला और एक 10-15 दिन तक और कंटिन्यू रहेगा। जो जो लोग इसमें प्रजा पलाना का फॉर्म डाले थे लाइट के लिए और आपके गैस के लिए, उनसे फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि किशनबाग पार्क में आकर फ़ायदा उठाइए क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इलेक्शन नहीं बल्कि हर वक्त आपके साथ रहकर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए आज अल्लाह ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा मुकाम दिया। हिंदुस्तान के हर कोने में अगर कुछ भी मसला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को याद करती है आवाम, क्योंकि आपकी जो ताकत है वोट की, उस ताकत के बदौलत हिंदुस्तान में हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदत बीच में रहकर काम करते हैं। जैसा कि पार्लियामेंट में कोई मसला उठाना है तो एक वाइस MP है जो माइनॉरिटी के लिए अकलियतों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनका नाम बहरासर असदुद्दीन अवैसी साहब है। जैसा कि असेंबली आपके तेलंगाना में अगर आवाज़ उठाया जाता है तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब और दीगर मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उठाते हैं। तो मैं एक बार आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ जो जो प्रजा पलाना में फॉर्म डाले थे वो लोग किशनबाग पार्क पर आइए, आकर लाइट के बिल के लिए कमी के लिए और गैस सिलेंडर के लिए कमी के लिए डाले थे, क्योंकि 3,000 फॉर्म अब तक अपडेट हुए हैं और बाकी के जितने भी हुए इंशाल्लाह ताला बराबर होंगे। मैं फिर एक बार मेरे इब्तदाई सदर मुतमद्दीन उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग कंटिन्यू यहाँ पर ठहर कर काम कर रहे हैं और हमको सहूलत दे। प्रोग्राम चल रहा है प्रजा पालाना, सिर्फ ये वार्ड नंबर 56 का ही चल रहा है। अगर दीगर आपके दूसरे हैं तो वो एरिया कारपोरेटर्स के एरिया में दूसरे भी डाला गया है सेंटर। MLA साहब मोहन साहब ने बोलकर हर एरिया कारपोरेटर के एरिया में ये सेंटर पड़े हुए हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ किशनबाग 56 के जो है वार्ड मेंबर वार्ड में वही लोग आकर किशनबाग पर फ़ायदा उठाइए और दीगर जो भी है हमारे MLA साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो जो आप एरिया में रहते हैं वो एरिया कारपोरेटर से कॉन्टैक्ट करें।